મહારાની રાણી મને મારો પારો યમના જીરો પાણી રાવે પાણી લાગે રજધાની લાગે મને મારો પારો યમના જી કો પાણી લાગે રાધા નામ મનાઈ ભૈયા તો ભાવે રાધા નામ મનાઈ સુભાન કી લલી તો ગુણધાની લાગે ગુણધાની લાગે મને કારો કારો જમના જી કો પાણી લાગે હરી રે ગજ બિરંગા બલરામ લગ
भगवान ने रूह हो ये अजगर आ गया है अगासुर ने हमका देख के उतना का भाई ये भी मामा ने भेजा है मुझे मारने इसका भी स्वागत करना है। अब भगवान ने सोचा अब कैसे निकले ग्वाल ऊपर से लाठी मारता हूं तो संग में ग्वाल मरेंगे तो क्या किया बड़ा रूप बनाया तभी तो कहते सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं पीते ये कहावत यही की है। भगवान अजगर के मुंह में गए और धीरे धीरे बड़ा रूप बना लिया अजगर का मुंह फट गया मुंह फटा प्राणांत हो गया ग्वाल बाहर निकल आए ग्वालों को जीवित बचा लिया। पुनः लौट के ब्रजमंडल में आ गए गौए खिरक में कर दी। एक दिन एक ग्वाल ने कही कि मोई यो बतोए कि कन्हैया गैया चरा दे हाँ नहीं मैं चराऊं कल के वो ग्वाल लाठी लेके आ गयो सवेरे भयो गैया लेके चल दियो वन में बाद रात गैया ग्वाल ने संभाल ली। रोजाना 12 बजे दिन के भोजन पहुंच जातो ग्वाल को छाक कहती ब्रज में छाक और मठाते कहती है छाछ भोजन तो कहती है छाक और मठाते कहती है छाछ तो छाक और छाछ दोनों चीज पहुंच जाए। एक दिन आएगो एकादशी को व्रत तो मंदिर में भोजन ही नहीं बने ग्वाल को लेके कहा जावे सब उपास है और वो तो ग्वाले तो भूख लगेगी वो काय को उपास हो रहे हो ग्वाले लग रही भूख 12 बजे वो 1 बज गई। भगवान ने कही कि मेरा भक्त भूखा है मैं चलता हूं। भगवान ने चूरमा के लड्डू ले और पीतांबर में बांधे और पहुंच गई ग्वाल के जे भैया भोजन कर ले। जो ग्वाल ने देखी कन्हैया तुम भोजन लेके और ग्वाल वाले का मर गए सब लदे दो ले लिया भोजन किया बाकी बचा पीतांबर में बांध लिया। अब तो गैया तो कदे ही खिरक में वो संत महात्मा मंदिर में भजन कर रही जो टक्कर पहुंचाते रोजाना ग्वाल के कंधा पे लाठी ग्वाल ने कहे पुजारी सुनो तुम्हें ये पता है कि मेरे लिए छाक लेके ब्रजराज गए तुम मर गए सब। ग्वाल बाल महात्मा बोले छाक लेके बोले देखो ये छन्ना रहे हो मुका जाने छन्ना है तो अगर कपड़ा ये तो मुका जाने पीतांबर है। यू देखा महात्मा ने ग्वालों के पीछे राम की की कृपा हो जाए सब कृपा कर देते उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ है तो प्रभु का नाम है। उन्हें कथा की ओर फिर भगवान गौ चरण करने लगे वो गौ चराते चराते वन में गई तो एक दिन मंत्रणा कर ली चरा के वापस आ गई संज्ञा को मीटिंग करी देखो भैया इधर मनसुखा है तकवा सुदामा है तकवा साहब बुलाए कहा देखो कल अपने अपने गत्ती में कूते लावे कहा श्री दामा ते कही भैया श्री दामा तू अपने गत्ते पीतांबरी लेके आओ पीतांबर माने कड़ी और भात लेके आओ चावल। इतना गरीब था बेचारा कि जिसके पास पीतांबरी और चावल भी नहीं थे श्री दामा ने मैया ते कही मैया मुकु पीतांबरी और भात दे दे चावल मैया की लाला 3 दिना की तो धरे बासे मैया तू भी नहीं दे दे
लेकर के शबीरों भयो गौचारण करने गई श्री दामा बासी तीन दिना की कढ़ी और चावलों को लेके गया। सब पहुंच गए ग्वाल इकट्ठे गए आओ भोजन कर ले। ऐसा होता है ग्वाल वाल मिलके भोजन करती हैं वन में। भगवान ने कही श्री दामा मेरी कढ़ी और चावल दे पीता मिली और भात दे भैया। बासी थे तीन दिन की छुपा रहा था दू या न दू। भगवान ने कहा भक्तवत्सल श्री दामा क्यों छिपा रहा है। अरे मित्र है तू मेरा सखा है तू भी बासी है बलो तीन दिन आके पल्लाए दे। देखो भगवान ने अपने आप ही कह दी लाके दे दी पीतामरी और चावल। भगवान प्रेम से खा रहे और मधुमंगल से बोले मधुमंगल तू का लाओ महाराज मैं तो दाल टक्कर लाया हूं तू दे दे। एक दूसरी बात लेके गई देखे एक गयो तब तक मैया कपड़ा उतार रही गोपाल भैया गोपाल भैया आए। एक खिलाड़ी आ गया बाहर को वो गेंद की कह रहे के गोपाल हुए हरा देंगो ले चलियो तो जल्दी। भगवान तो समझ गए आ गए भोलेनाथ। भगवान पहुंचे कहोग कहोग गेंद हजंग गेंद इशारे में दोनों समझ गए और खड़े रहने वाले नहीं समझ पाए। गेंद हुई इतनी टोलो गयो भगवान ने उधर से भोलेनाथ ने गेंद आकाश में मंडरावे नीचे नहीं करे। गांव के बोले देख गोपाल भैया हार मन गई हो नहीं बात लगे जागी गांव की। गेंद जब फटके नीचे गिरी जर सीधे भोले बाबा ने हाथ पकड़ ले चलो ऐसे जिन माता जिन्होंने मुझे बालक बनाया है उनके यहाँ चलो। पहुंची और दिन लगती के थाली पांच थाली लगती बहू के लिए लड़का के लिए बाबा के लिए अम्मा के लिए गोपाल भैया के। आज गोपाल भैया ने कही देखो आज तो छह थाली लगाऊ आज छह थाली सजाओ क्यों आज मियो मित्र आ गए छह थाली लगाई थी छह थाली लगाई और भोजन किए। भगवान बोले लो अब हम चाहते हैं जाते हो जिन साहूकार ने लल्ला के ऊपर कष्ट सही मन में रही उनकी आंखों में आंसू जाए क्यों रही हो ले बस मैं इसने दुनिया के लिए 12 वर्ष के लिए आया था। धराम सिरे बेहोश हो गए घबराओ मत तुम्हारे बालक हो गए और बाको नाम गोपाल धरती बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चलो वही कथा की ओर यमुना के किनारे काली देव के किनारे पहुंच गई। भगवान ने गेंद में टोलो दयो गेंद पहुंच गई काली देव में। श्री दामा ने कही कन्हैया मैं गेंद ला दू भैया एक के बदले में दो दे देंगे पर ये तो जब देह में गिर गई नहीं नहीं मोई मेरी जी गेंद चाहिए और नहीं दोगे तो देखो मैया की शिकायत करते हो कन्हैया तो खेल कर लो काली देह में कूदे। काली देह में कूदे नागिनी ने कही अरे लाला तू कह लो भूल गए हो तो भग जा नहीं मेरो नाग जग जागो तो तू खा जा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कन्हैया ने कहा कही नागिनियों जगा दो मैं उसी के लिए आया हूं जगाओ देख लाला भाग जा नहीं वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। नाग जैसे ही जगा फुसकार देने लगा कन्हैया को लपेटा दे लिया। इधर भी पता चल गयो यशोदा मैया कि मेरो लाला काली देह में कूद कूद गयो मेरो बारो सो कन्हैया काली देह में खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया मेरा बारो तो
मैया को पकड़ना शाम की सुहावनी होती है जंगल में।
Thank you.
जो कुछ कहोगे तय करें। सर्दी लग रही है, जल्दी वस्त्रों को दे दो। श्याम सुंदर बोले तो बाहर को लेकर आओ। श्याम सुंदर बाहर कैसे लगन लगन वो तुम्हें सब जाओ तुम लेकर आओ बाहर। दोनों हाथ कमर में लगे हुए हैं, गर्दन झुकी हुई है। श्याम सुंदर बोले ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करो तब वस्त्र डालेंगे नहीं डालेंगे। वो कन्याएं बोली अब हमने इनको पति बना दिया और जगत पति के आगे तो सभी नग्न रहते हैं। जन्म होता है तो नग्न होता है, जगत परमात्मा के आगे तो सब नग्न है। खड़ी हुई दोनों हाथ ऊपर कर दिए, वस्त्र डाल दिए, फेंक दिए। फिर जब गौचारण कराने गई, ये सबक सिखाया इसलिए कि कभी ऐसा मत करना। पुणे भगवान गौ चराने गई, ग्वाल बाल साथ में ही। एक दिन भूख लग गई, कछु खाए भी को नहीं लेगी। उस दिन भोजन ही नहीं लेगी, न ग्वाल लेगी न बलदाव कृष्ण लेगी। थोड़ी दूर I'm gonna make it.
जैसे ही ब्रजमंडल में सब गोपियां हर सजा के गोवर्धन की इंद्र को पता चल गया, इंद्र को पता चला मेरी पूजा इस ग्वालिया ने मेघमालाओं को आदेश दे दिया, मेघमाला जा ब्रजमंडल को खोद के बहा दो मूसलाधार पानी की वर्षा। मेघमाला आ गई और मेघमाला आई घनघोर गर्जना घनघोर पानी की वर्षा। गोपी ग्वाल घबरा गए, कौए रमाने लगी, ग्वाल घबराने लगे, कन्हैया अब ये क्या हो गया, कोप कर दिया, घबराओ मत। भगवान ने उंगली पे पर्वत को उठा लिया और कहीं साहब अंदर आ जाओ, कौए ग्वाल साहब पहाड़ के नीचे आई। मैया यशोदा कहा बोली, सुनो ये मेरो लाला छोटो है, ओ गिरवर में बोझ अपार या मेरो पारो, ओ गिरवर thank you.
नाम क्या पड़ गया? गिरधारी। गिर को धारण करने के लिए उनका नाम पड़ा गिरधारी। 7 वर्ष की कन्हैया ने गोवर्धन को 7 दिन 7 रात उंगली पे उठाया। मैया बोली ग्वालो लठिया लगा रही हूँ। ग्वाल कहा बोले तो कब मैया ते लाला की मैया पे कब धरो है? हमारी लठिया ने भी तो धरो है जी। कन्हैया बोले अच्छा तो लाओ तो मैंने दिखाई दो। कन्हैया ने नेक उंगली हटाई, तेरो सब संकट मिट जाए, हो कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। जो लोग पूजा करना चाहे वो राजी महाराज की पूजा करें, एक एक से आए आए, एक एक से पूजा करा करें। सब मिल
कोई नंदना
मिल जाए सब पूरण भैया सभी कर लो। ये क्या है, अपन गोवर्धन जाते हैं हर महीने, कुछ ऐसे भाई माता बहने जो हर महीने जाते हैं। एक नरवर के यहाँ पोहा गांव है काशीराम कुशवा, वो हर महीने जाते हैं। और जिस वक्त जो पानी का सैलान आया था केदारनाथ में, वहां लाखों मरे थे, उस लाशों के बीच में वो था। ये सत्य कथा है। उसने कहा ये गिरिराज भगवान वो बचा के ले चलो, मैं भागवत करवा दू। हम वहाँ पहले नरवर में कथा कर आए थे, जहाँ से लोड़ी मैया चली है, जैसे पहाड़ पे एक प्रजापति बाबा रहते हैं, बालिक दास नाम है बाबा का, चमत्कारी महात्मा है, भजन करने वाले हैं। उनके यहाँ हमारी कथा हुई थी कनागतों में, वो माली माला लेके रोजाना तो भगवान की कृपा लाशों के बीच में अकेला खड़ा, हेलीकॉप्टर घूम रहा था, दिखाई दिया, दोनों हाथ किए, रास्ता डाल दिया, पकड़ा, हेलीकॉप्टर में बैठ गया और ले गई। और धीरे धीरे मथुरा आया, मथुरा से नरवर आ गया। तो उससे मिलने आवे, क्योंकि भैया भी मत मिलो, दिल कच्चा पड़ गया, लाशें देखी। 8 दिन बाद बातें की, आगे माह का महीना आ गया, तो विचार किया भैया अब मुझे भागवत करवानी है। हम कर आए थे तो माला लेके आता, मेरा मन तो कैलाश वाले पंडित जी से मैं कथा कराऊंगा। नरवर एक वृंदावन के पंडित जी पोहा गांव में पंचायत की कथा कर गए। गांव वालों ने कहा भैया उससे करा लो, बोले नहीं मैं तो कैलाश से ही कराऊंगा। वो ठीक है, ठीक तो कुछ नहीं है, पर जैसी टूटी फूटी वाणी बनती है सुनाती है, पर उसके हृदय में हमारी कथा बन गई थी। अपने बालक को लेके, छोटे भाई के लड़के को लेके, एक भतैया को लेके 4 आदमी कैलाश आए, निमंत्रण दे गए। माह के महीने में भागवत हुई। नरवर में हनुमान जी है, उनका नाम है इंजीनियर हनुमान, पोहा गांव में मेन रोड से करेरा रोड पर भागवत हुई। तो यदि ये भागवत भी पूर्व जन्म की पुण्य उदय होती है तब होती है, महीनों विचार वर्षों निकल जाती है, तभी कहते हैं कि शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। क्यों कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा तो बहुरे करेगा कब। समय का पता नहीं कब कैसा आ जाए, क्या हो जाए, वक्त की बजा रही है। बुरे काम के लिए क्या कहते अब भाई आज ही करके लौटेंगे, चलो उठा लियो नटिया। और अच्छे काम के लिए बहुत सोचना पड़ता है, बुरे के लिए नहीं सोचते। भगवान की कृपा हुई, उस काशीराम कुशवा ने कथा कराई। तो विराम जब होता, खड़ा होकर पंचों को हाथ जोड़ता, हे पंच परमात्मा मुझे गिरिराज भगवान ही बचा के लाए, कहीं मैं सब बता। तो गिरिराज जी का इतना प्रभाव, बोली गिरिराज भगवान की। महीना परिक्रमा देने जाती है, उनके सब काम बनते हैं। तो आज वही गोवर्धन महाराज हमारे यहाँ विराजमान है, सब भैया पूजा कर लो। जो माता बहने पूजा करना चाहती है कि शायद पूजा करें भगवान की, कोई माता बहन जल्दी जल्दी करती जाओ, समय का अभाव, समय को विशेष ध्यान रखते हुए शीघ्र शीघ्र माता बहने पूजा करें। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी
तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज सदाई। लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छठा तेरी लोक प्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी लोक प्यारी है गोवर्धन महाराज। थोड़ी थोड़ी दूरी बनाए रखे मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दई को दान, दान घाटी पे दई को दान, करो फिर परिक्रमा की तैयारी गोवर्धन महाराज। जटा तेरी लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। जटा तेरी लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज, जटा तेरी लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज। मर्दन कीनो इंद्र को मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, तुगत ब्रज को बचाई लीनो, तुगत ब्रज को बचाई लीनो, प्रकट होए कर दर्शन कीनो, प्रकट होए कर दर्शन कीनो, प्रकट होए कर दर्शन कीनो, प्रकट होए कर दर्शन कीनो। नंदराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज, जटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, जटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, जटा तेरी लोक से न्यारी महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, जटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, जटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। पूरण करते सबके काज, पूरण
किशोरी चरण की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज किशोरी चरण की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज जटाधिपति लोक की प्यारी है, गोवर्धन महाराज जटाधिपति लोक की प्यारी है, गोवर्धन गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज जटाधिपति लोक की प्यारी है, गोवर्धन महाराज जटाधिपति लोक की प्यारी है, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माँ के मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माँ के मुकुट विराज रहो, 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माँ के मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माँ के मुकुट विराज रहो। Yeah.
Oh,